शाहपुर थाना क्षेत्र के गीता वाटिका के समीप आपसी विवाद में पति ने पत्नी को दिन दहाड़े सड़क पर ही चाकू घोप कर हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई हत्या के बाद हरकत में आए पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी पति पन्नेलाल को हिरासत में ले लिया है, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि शाहपुर थाना क्षेत्र में पति ने अपनी पत्नी की चाकू मार कर हत्या कर दिया तथा हत्या की वजह आपसी विवाद और पैसे के लेन देन को लेकर बताया जा रहा है। SSP ने बताया कि महिला अपने पति के साथ शाहपुर के धर्मपुर में किराए के मकान पर रहती थी। उसकी पत्नी गीता गुरुवार की सुबह एक घर में काम करने के लिए जा रही थी। इसी दौरान पति पन्नेलाल ने उसे रास्ते में रोक लिया और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर लहूलुहान कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, थाना शाहपुर में आज सुबह एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने प्रथम दृष्टया शक के आधार पर पति को हिरासत में लिया, जिसने पूछताछ में बताया कि पति पत्नी दोनों में विवाद था, पैसों की बात को लेकर और अन्य विवाद को लेकर, जिस पर कि काम पर जाते हुए महिला को रास्ते में पति ने चाकू मारकर हत्या की। इस पर पुलिस परिजनों की तरफ से मुकदमा दर्ज करवा कर साक्ष्य संकलन कर पति के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर रही है। फिलहाल महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है।